बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इधर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैनात किए जाएंगे 7 लाख चुनाव कर्मी। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के वेतन 1 सप्ताह के अंदर होगा जारी। 66 पैरामेडिकल संस्थानों में होगा दाखिला। राबड़ी के दर से निराश लौटे तेज प्रताप। इस समय राजद में घमासान। आपको बता दें कि मिट्टी में जिंक की कमी से बच्चे हो रहे हैं कमजोर और इंटर में दाखिले के लिए 3 लाख छात्रों की पहली सूची हो गई है जारी। नमस्कार, आज कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबर, तमाम खबरों को हम चुनकर छांटकर खोजकर आपके लिए लाते रहते हैं, जो आपके लिए काम की खबरें होते हैं। चलिए, अगर हमारे चैनल पर आप हमेशा बने रहते हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। देखिए, हमारे खबर को जानने के लिए, हमारे चैनल को देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे। चलिए, खबरों की सिलसिला अब शुरू करते हैं। पहली खबर हम लेते हैं, आस्था को आतंक से नहीं कुचला जा सकता है, पीएम मोदी का बयान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आतंक के बूते साम्राज्य खड़ा करने की सोच भले कुछ समय के लिए हावी हो जाए लेकिन उनका अस्तित्व कभी अस्थायी नहीं होता है। बिल्कुल सही है, भय के डर से किसी चीज को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सम्मान पाने के लिए किसी को भय नहीं दिखाया जा सकता है और भय दिखाकर कोई सम्मान नहीं पा सकता है, अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता है। पीएम मोदी का यह बयान बहुत ही सार्थक है और इशारा है, संदेश है पाकिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बीच। पीएम का यह बयान है और सोमनाथ मंदिर से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। तालिबान बर्बरता पर उतरा, कई शहरों में विरोध जारी। एयरपोर्ट जा रहे लोगों को रोकने के लिए तालिबानी लड़कों ने गोलियां बरसाई। तालिबान को लेकर कई खबरें अफवाहों के बीच भी आ रहे हैं, कुछ सच कुछ गलत, कुछ सत्य कुछ असत्य। जैसे कि एक यह बात वायरल हो रही थी कि तालिबान के दबाव के बाद अफगानिस्तान में लड़कियों बेटियों को रुपयों पर बेचे जाने का काम किया जा रहा है, सत्यता क्या है। भारतीयों को भारतीय लोगों को युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए हालत सुधारने की कोशिश के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी क्लिंकन से मुलाकात की, यानी कि भारतीयों को सुरक्षित लाने की पहल किया जा रहा है। जॉनसन ने बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति मांगी। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए हैं। कश्मीर में मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी भी ढेर हुए हैं। इधर लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट हो विपक्ष, सोनिया गांधी का कहना है कि अब लोकसभा चुनाव के लिए अब सभी विपक्षी जो हैं एकजुट हों, तब जाकर हम लोग आगे के अस्तित्व बना सकते हैं। विलय के बाद नए राज्य में आरक्षण का लाभ देना होगा, सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश है। बिहार और झारखंड से जुड़ा है मामला, यानी कि विलय के बाद नए राज्य में आरक्षण का लाभ देना होगा, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, निर्देश है और यह मामला बिहार और झारखंड से जुड़ा हुआ है। बच्चों को लेकर एक बड़ी खबर है कि बच्चों का भी अब वैक्सीन तैयार हो गया है, अब कुछ दिनों में ही पढ़ना शुरू हो जाएगा। इधर मिट्टी में जिंक की कमी बताई जा रही है, मिट्टी में जिंक की कमी से बच्चे काफी कमजोर हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय जिंक संगठन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, बुजुर्गों और युवाओं पर भी इसका असर है। ज्यादा जिंक की कमी होने से बच्चों पर इसका असर है, बुजुर्गों और युवाओं पर भी इसका असर है। जिंक की कमी से कई परेशानियां होती है, जैसे वजन घटना, गंध और स्वाद की कम समझ होना, घाव जल्द ठीक न होना या बार बार दस्त होना, भूख कम लगना, एक्जिमा या मुहासे होना, कमजोर मानसिक स्वास्थ्य, बाल झड़ना, यह भी कमजोरी का जिंक का कमी होने का कारण हो सकता है। जिन लोगों का अगर बाल झड़ते हैं, बच्चों के बाल झड़ते हैं, तो समझिए कि जिंक की कमी है और जिंक की कमी मिट्टी में हो गया है और जिसके कारण यह हो रहा है। इधर बोले विशेषज्ञ क्या बोल रहे हैं, बचपन से ही जिंक की होती है कमी,
सबसे अधिक जरूरत होती है बचपन से ही। जिंक की कमी से इम्यूनिटी पावर घटता है, इससे बच्चे बीमार पड़ते हैं, इसका सीधा असर बच्चों के पोषण पर पड़ता है। बिहार में मिट्टी में समुचित जिंक नहीं होने के कारण अनाजों में पौष्टिकता की कमी हो रही है। लौट जाता है जिंक का अनुदान, यानी कि आपको जिंक फसलों में देना जरूरी होता है। जिंक के कारण कई तरह की बीमारियां भी हो रही है। इधर बिहार शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, यानी कि बिहार बोर्ड से निकलकर सामने आ रही है, इंटर बोर्ड से निकलकर सामने आ रही है। इंटर में दाखिले के लिए 3 लाख छात्रों की पहली सूची जारी कर दी गई है। सभी बड़े स्कूल और कॉलेज में 80% सीटें होगी फुल हो गई है फुल, यानी कि राज्यभर में इंटर स्कूल और कॉलेज में 11वीं के दाखिले के लिए प्रथम चयन की सूची शुक्रवार को यानी बीते दिन को जारी कर दी गई है। चयनित छात्र 24 अगस्त तक नामांकन करा सकते हैं। 3 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के नाम इस सूची में शामिल है। प्रथम चयन सूची में जिन विद्यार्थियों का नाम है वह आवंटित कॉलेज या स्कूल में नामांकन ले पाएंगे, तो यह बहुत बड़ी पहल है। इधर CBI दोबारा जांच की मांग पर विचार करे, कोर्ट का कहना है। LN मिश्रा हत्याकांड की चर्चा है, CTET अब होगा ऑनलाइन, अब CTET अब ऑनलाइन होने की बात हो रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से टीचर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET ऑनलाइन लिया जाएगा, इसकी जानकारी बोर्ड की ओर से सभी क्षेत्रीय कार्यालय को दे दी गई है। बोर्ड की माने तो जून वाली परीक्षा के लिए जल्द ही तिथि जारी कर दी जाएगी, यानी अब ऑफलाइन CTET नहीं होगा बल्कि ऑनलाइन परीक्षा होगी। इधर पटना मेट्रो में डिपो के लिए 75 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी मिल गई है। नगर विकास आवास विभाग के प्रस्ताव पर पटना जिला प्रशासन ने लगाई है मुहर। अब जल्द ही बिहार के लोगों को भी मेट्रो का सुविधा मिलेगा, मेट्रो देख पाएंगे, मेट्रो पर चढ़ेंगे, मेट्रो पर सफर करेंगे, यानी पटना में मेट्रो की शुरुआत बहुत जल्द होगा। 22 सितंबर 2020 को शुरू हुआ था कार्यारंभ, यानी कि 20 सितंबर 2020 को मेट्रो बनाने के लिए कार्य का शुभारंभ हो गया था, और यह अगस्त है, यानी साल हो गया, एक साल हो गया है और काफी हुआ विकास हुआ है, लेकिन कुछ कोरोना काल के कारण इसकी विकास की गति कुछ धीमी हुई है, लेकिन बहुत जल्द ही बिहारवासियों को पटना में मेट्रो की सुविधा मिलने जा रही है, जिससे पटना घूमने में, पटना में विभिन्न जगहों जाने में लोगों को काफी सुविधा होगी, जिसके लिए जमीन का अधिग्रहण फिलहाल शुरू है। रसोई पर बढ़ा बोझ, साफ सफाई भी हुई महंगी, महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। किराना सामान की कीमतों पर एक बार फिर से तेजी से चढ़ने लगी है, इसमें आम लोगों की रसोई भी बोझ बन गया है, यानी कि बहुत चीजों का दाम जो है वह बिल्कुल आसमान छूने लगा है। इसमें सरकार ही दोषी नहीं बल्कि आम लोग, हम और आप भी दोषी हैं। राबड़ी के दर से निराश लौटे तेज प्रताप ने फिर दिखाई बागी तेवर। जगदानंद ने कहा हर गतिविधि पर लालू की नजर, यानी कि जगदानंद बोले हैं कि ये कुछ भी कोई कर रहा है, लालू प्रसाद यादव का नजर उस पर है कि कौन क्या कर रहा है। अब इस समय जगदानंद और तेज प्रताप यादव के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। इधर तेजस्वी यादव को बयान आया है इसको लेकर कि चाहे कोई हो, अनुशासनहीनता ठीक नहीं है। बिल्कुल इन्होंने एक अच्छा बयान दिया है, चाहे भाई हो, भतीजा हो या पार्टी का कोई भी हो, अगर जो अनुशासनहीनता तोड़ता है उस पर कार्रवाई जरूरी है। इधर जगदानंद सिंह का कहना है जो प्रदेश राजद अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उनका कहना है कि तेज पर कार्रवाई का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को, यानी तेज प्रताप पर कार्रवाई का जो अधिकार है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। उन्होंने ऐसे भी जगदानंद सिंह जो है काफी अनुभवी नेता हैं और अनुभव के आधार पर ही वो कार्य करते हैं। इधर 66, लेकिन इस पर हम अब चर्चा कर रहे थे कि उनकी बहन रोहिणी का क्या कहना है इस प्रकरण पर। अनुशासन व संयम से बिना सफलता अधूरी है। इस प्रकरण पर अब लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य भी बीच बचाव के अंदाज में आ गई है। उन्होंने तेज प्रताप को नसीहत दी है, कहा कि अनुशासन और संयम सफलता की कुंजी है, सफलता इनके बिना अधूरी है, यानी कि इशारों में भाई को भी इशारा कर दिया शांत रहने के लिए। 66 पैरामेडिकल संस्थानों में होगा दाखिला, मौका मिला है। राज्य सरकार ने पैरामेडिकल संस्थानों में सूची जारी कर दी है। BCECB इनके माध्यम से सरकारी संस्थान में नामांकन का प्रावधान है। तालाब और हैचरी निर्माण में 90% अनुदान की बात की गई है। 6 जिलों में
छह जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सूबे में छह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया। 24 घंटे में पूर्वी चंपारण, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में गरज के साथ बारिश हो सकती है। मानसून ट्रफ अभी गंगानगर, अलवर, ग्वालियर, सतना, अंबिकापुर, जरसीगुड़ा, बागासोर से होकर पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र तक जा रहे हैं। साथ ही दक्षिण बिहार व इसके आसपास तक चक्रवाती स्थिति बनी हुई है। इन सब के प्रभावों से उत्तर बिहार में कई जगहों पर और दक्षिण बिहार में कुछ जगहों पर हल्की व मध्यम बारिश हो सकती है। इधर FSL के रीजनल लैब में होगी हर जांच, DNA और पॉलीग्राफ जैसे टेस्ट भी संभव हो पाएगा। राजगीर एलिवेटेड रोड को केंद्र की मंजूरी, यातायात 7 से 8 किलोमीटर, कह सकते हैं कि 8.7 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड रोड का निर्माण वान गंगा से होगा। विश्व शांति स्तूप अन्य जीव अभ्यारण आना जाना होगा आसान। अब इधर चीनी मिल कर्मियों का बकाया भुगतान अविलंब हो, अघनू का कहना है। और तरकारी ऐप पर सब्जी बेच सकेंगे राज्य के किसान। किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, एक ऐप का निर्माण किया गया है जिस ऐप के माध्यम से बिहार के किसान जो है अपने सब्जियों की खरीदारी या बिक्री कर सकते हैं। वशिष्ठ बाबू से मिले ललन, संगठन की मजबूती पर हुई चर्चा, शिष्टाचार मुलाकात हुई। ललन सिंह जो है वशिष्ठ बाबू से मिले और राजनीतिक पर अच्छी खासी चर्चा हुई, यह एक शिष्टाचार मुलाकात कहा जा सकता है। इधर आपको बता दें कि बहुत सारे जो हैं इस समय पंचायत चुनाव को लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही है। इधर जो है करीब 7.25 लाख कर्मचारी जो हैं चुनाव कराने के लिए लगाए जाएंगे और 7.5 करोड़ मतदाता चुने जाएंगे। 7 लाख कर्मचारी लगाए जाएंगे और 7.5 करोड़ मतदाता चुनेंगे अपनी सरकार। 7.5 करोड़ मतदाता जो है वोट देंगे पंचायत चुनाव में और अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। हालांकि सब कुछ अब साफ साफ है और 24 अगस्त को अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। तो इन तमाम खबरों को 1.12 लाख बूथों पर प्रत्येक पर रहेंगे कम से कम 6 कर्मचारी। इस बार 4 नहीं, 6 कर्मचारी प्रत्येक बूथ पर रहेंगे। और इधर जो है चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन्हों का भी निर्धारण कर दिया गया है। 12 ऐसे चुनाव चिन्ह जो है उसको रिजर्व में रखा गया है, बढ़ने पर उसका भी उपयोग किया जाएगा। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षक जिनका SSC मद से भुगतान होता है, करीब 2-3 माह से उनका भुगतान नहीं हो पाया है, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर ही उनका आवंटन जारी होगा। हमारे व्यूअर्स लगातार इसको लेकर जानना चाह रहे थे, तो 1 सप्ताह के अंदर उनका आवंटन जारी होगा और फिर जिलों के द्वारा उनका भुगतान होगा। ऐसे भी पर्व कई सामने है, जैसे मुहर्रम और इधर रक्षाबंधन भी पर्व बिना वेतन के नियोजित शिक्षकों को निकल गया है। तो सरकार इस पर ध्यान दी है और निश्चित तौर पर उन्हें वेतन 1 सप्ताह में आवंटित होगा और 1 सप्ताह लगने के बाद में उनका वेतन भुगतान हो जाएगा। कह सकते हैं कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में वेतन मिलने की उम्मीद है या सितंबर के प्रथम सप्ताह में वेतन मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।